नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के शिक्षक अध्यापकों की बहुत बड़ी और खास खबर है। मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक अध्यापक देखें, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा कर ली है, लेकिन छोटे कर्मचारी यानी शिक्षक अध्यापकों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। आइए विस्तार जानते हैं लैट्स को। तो दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बंद, कोरोना का डर। संचालनालय के डायरेक्टर गौतम सिंह ने दिए आदेश, बिना मास्क के ड्यूटी पर आए तो कार्रवाई। दोस्तों, इधर बीमारी से मंत्रालय में मची अफरा तफरी। लोक शिक्षण संचालनालय जैसी शिक्षा विभाग की इकाई ने अपने कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बंद कर दिया। वहीं पूरे प्रदेश का बार रूम बने राज्य मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बेरोक टोक जारी है। जिलों से डाक लेकर आने वाले व्यक्ति पास बनवा कर सीधे मंत्रालय में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि इस संबंध में कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग को भी शिकायत कर चुके हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रवक्ता आनंद भट्ट कहते हैं कि बल्ला भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। बाहर से जो डाक आ रही है उसके लिए अलग से कक्ष निर्धारित होना चाहिए। मंत्रालय की सभी विभागों की डाक यहीं पर ली जानी चाहिए। इसी कक्ष से आने वाली डाक पत्रों का आदान प्रदान विभाग तक होना चाहिए। अगर बाहरी व्यक्ति लगातार मंत्रालय प्रवेश करेंगे तो बीमारी को थामना यह मुश्किल होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय जारी है और शिक्षक अध्यापक जो है घर घर जा रहे हैं और कोरोना से भी पीड़ित हो रहे हैं। इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।